और अब चलिए बात करते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की, जहां पे सरकार विकास कार्यों के दावे तो बहुत करती है लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आई है। ताजा मामला कारीमाटी से है, जहां पर रहवासी सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर है। आलम यह है कि बच्चे बूढ़े नाले का पानी पीकर गुजर बसर कर रहे हैं। कारीमाटी भरतपुर नगर पंचायत का एक हिस्सा है, जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से ये इलाका काफी कोसों दूर है। हैरानी की बात यह है कि सरकार इस बदहाली से अनजान है। पानी का समस्या है, पानी नहीं है, नदी नाला से लेके अपन जो है पिखा रहे हैं, फिर नहाने खोने के लिए एक बनास नदी है, वहाँ नहाए खोरे खातिर गए थे हम लोग, बाल बच्चा घर प्राणी, या करके यहाँ जो है तो गुजर पसर करे थे। और ये आवेदन सरपंच को भी दिया गया है, बताया गया है कि भाई पानी की समस्या है तो इसका दिया जाए कुछ ना कुछ, तो आवेदन तो है वहाँ ग्राम सभा से, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। सरपंचों भी जान रहा है कि इसके पार पानी नहीं है, तो हमारा यहाँ नहीं है पानी, हम खुद दूर से लाई थी पानी पीने के लिए। का करी, गंदा पानी देखा था पी थे, कैसा करी, हमारे दुनिया तो लाने नहीं करते, अवस्था हो गई है, था गुजारा कर रहे हैं, का करी अब। कब से पी रहे हैं? और पानी तो हम ऐसा कुआं थोड़ा बहुत खाना है तब के पिया था, ना कहा भाई नहीं निकल पानी, तो उनसे ले लाने थे, बरसात में पड़ जाते ले लाने थे, गुजारा कई थे, अब से आने आदमी एक कौन ले लाना, तो ही मैं अपन निस्तार करते रही थी, कैसा करी अब, ना सके वह सचू आवे ना सरपंच आवे, हम जाऊ भाई वो हम ही हो थे दुख तो नहीं बता, आप साहब तू झूठ ना बोल, अब हम